दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि पाप को क्षय करने वाले मनुष्य के जीवन में सुख सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी का व्रत क्यों करा जाता है। ये तो मैंने आपको बहुत ही संक्षेप में बताया है कि एकादशी पाप का क्षय करती है, साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी कि इस व्रत में अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, अन्न खाने से किस तरह से आपके जीवन में कई तरह के पाप पनपने लगते हैं। तो जो भी अपने जीवन में सुख सौभाग्य को बढ़ाना चाहते हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। आप सब कैसे हैं दोस्तों? हमेशा की तरह माता रानी का जयकारा सदैव लगाते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते रहिए। आप सबके इष्टगुरुदेव भगवान माता पिता सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूं दोस्तों। और अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना है, बाजू में हुई घंटी या बैल के आइकन को प्रेस करना है। निःशुल्क है, फ्री है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको ज्योतिषीय सलाह, पूजा पाठ की विधियाँ, दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हुई जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती हैं। आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों हमने बहुत सारी बार आपसे एकादशी के बारे में चर्चा करी है कि एकादशी के व्रत का क्या महत्व होता है, पर आज मैं आपको बहुत ही अच्छी एक कहानी बताने वाली हूँ, इसे एकदम ध्यान से सुनिए। दोस्तों एकादशी का व्रत सनातन धर्म के अनुसार बताया गया है, जो कि मनुष्यों का कल्याण करने वाला महत्वपूर्ण व्रत है। इसे करने से मनुष्यों के द्वारा जो भी जाने अनजाने पाप कर्म होते हैं उनसे उन्हें मुक्ति मिलती है। साल में कुल मिला के 24 एकादशी होती हैं और जब अधिक मास होता है तो 26 एकादशी होती हैं। तो इस तरह सभी एकादशियों में व्रत करना चाहिए। दोस्तों यहाँ व्रत का विशेष महत्व है, जैसे कि अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न यानी अनाज, गेहूँ, दाल, चावल, ये सब अनाज होता है। अन्न हमें एकादशी के दिन पर नहीं खाना चाहिए। दोस्तों एकादशी के व्रत की ये जो व्याख्या है ये सबसे महत्वपूर्ण जो पुराण है पद्म पुराण में मिलती है। इसके 14वें अध्याय में एकादशी की व्याख्या करते हुए व्यास देव जी जैमिनी ऋषि के समक्ष ये व्याख्या करते हैं। व्यास जी के अनुसार जब संसार की रचना हुई तो यहाँ भौतिक जगत में कई तरह के पापों को दर्शाने के लिए श्री हरि विष्णु ने एक पाप पुरुष की रचना करी, जिसका मूर्तिमान रूप एक तरह से पाप पुरुष के रूप में पहचाना गया। पाप पुरुष के दोनों हाथ और दोनों पैर कई तरह के पापों के पाप कर्मों से लिप्त बताए गए। वहीं इस पाप पुरुष को नियंत्रित करने के लिए यमराज जी की उत्पत्ति हुई और कई तरह की नरकीय प्रणालियों की भी उत्पत्ति हुई। जो भी जीव आत्माएं अपने जीवन में पाप करती हैं उन्हें यमराज जी के पास भेजा जाता है, जिससे यमराज उन जीवों को पापों के अनुसार नरक में पीड़ित करते हैं। इस प्रकार वह जीवात्माएं अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुख को भोगती हैं। जब श्रीहरि विष्णु ने कई सारी जीवात्माओं को नरक में कष्ट को भोगते हुए देखा तो भगवान विष्णु को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने जीवात्माओं की सहायता के लिए अपने ही रूप में पाक्षिक एकादशी को अवतरित करा। इस कारण एकादशी का अवतरण हुआ और ऐसा कहा जाता है कि एकादशी श्री हरि विष्णु से अलग नहीं है, यानी एकादशी और भगवान विष्णु एक ही हैं। जब भी जो जीवात्माएं पाप कर्मी होती हैं वह यदि एकादशी व्रत के नियम का पालन करती हैं तो उन्हें इसके कारण वैकुंठ धाम की प्राप्ति होने लगती है। इस तरह से कई लोग जब एकादशी का व्रत पालन करने लगे और वैकुंठ धाम की प्राप्ति करने लगे तब पाप पुरुष को अपना अस्तित्व बहुत ही संकट में दिखाई देने लगा। वह भगवान विष्णु के पास पहुंचा, प्रार्थना करते हुए बोला, हे भगवान, मैं आप ही के द्वारा निर्मित करा गया हूँ। मेरे माध्यम से घोर पाप करने वाले जीवों को यहाँ पर पीड़ित किया जाता है, परंतु अब एकादशी के प्रभाव से मेरा हास हो रहा है। आप कृपा करें और मेरी रक्षा करें। मुझे कोई ऐसा स्थान ज्ञात नहीं है जहाँ मैं एकादशी के भय से मुक्त होकर रह सकूं। प्रभु ने पाप पुरुष पर कृपा करी और उसको वह स्थान बताया जहाँ वह निर्भीक होकर वास कर सकता है। पाप पुरुष की स्थिति पर विचार करते हुए श्रीहरि विष्णु उससे बोलते हैं, अब तुम और ज़्यादा शोकाकुल मत हो, तुम मेरी बात सुनो जो मैं तुझे बताता हूँ। तुम एकादशी के पवित्र दिन पर अन्न में निवास करोगे। इस तरह से तुम एकादशी देवी के भय से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि एकादशी का व्रत करने वाले अन्न का भक्षण नहीं करते हैं। और यदि कोई भी पुरुष एकादशी के दिन पर अन्न का भक्षण करता है तो उसके मन में ज़रूर पाप कर्मों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों वैसे भी बताया गया है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो अगर आप एकादशी के दिन पर अन्न को ग्रहण करते हैं या अन्न खाते हैं तो आपके मन में भी
किसी न किसी तरह के पाप कर्म जरूर उपजते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत जो कि पापों का क्षय करता है, उस दिन पाप पुरुष का स्थान होता है अन्न। इस दिन आपको अन्न का बिल्कुल भी भक्षण नहीं करना चाहिए, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। जो भी पुरुष अपने जीवन में सदगति चाहते हैं, वैकुंठ धाम की प्राप्ति चाहते हैं, वह सभी इन्हीं नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन का व्यापन करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज एकादशी का व्रत क्यों करा जाए, एकादशी के व्रत के दिन पर अन्न क्यों नहीं खाते हैं, ये सब बातें आपको जानकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। सभी वीडियो देखने के लिए कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट ज़रूर देखिए। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए, अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।